दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच। रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक चल रहा था जिसमें मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं हेडिंग में डाला हूँ, किसी भी दिनांक का दिन याद करना। आप किसी भी दिनांक का, किसी भी तारीख का दिन सेकेंडों में निकाल लेंगे, वो भी उंगलियों का खेल है दोस्तों। इसमें उंगलियों चलाइए, अंगुली चलाइए और आंसर पाइए सेकंडों में। देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये जो मेथड बताऊंगा, मेथड कंसेप्ट समझ लीजिए, ऐसा आप किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं पाएंगे। देखिए बताता हूँ, किसी भी दिनांक का दिन याद करने के लिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ सेंचुरी, ईयर, ये थोड़ा से ध्यान रखना है। वो भी बहुत मैं शानदार तरीके से बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप याद करेंगे। अब कैसे याद हमेशा रहेगा, आप कभी बस 2 मिनट शांति व्यवस्था से और ईमानदारी से दे दीजिए और वीडियो देखिए, और देखिए आप बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे और कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये मैं निकालना चाह रहा हूँ किसी भी दिनांक, किसी भी तारीख का, ठीक है, दिन याद करना, हाउ टू फाइंड डे ऑफ एनी डेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कोड ऑफ मंथ, ठीक है दोस्तों। कोड ये थोड़ा सा आप लोगों को लर्न करना है और उसको मैं बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कैसे आप याद रखें। कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ मंथ महीने का कोड। देखिए दोस्तों, उंगलियों का खेल है दोस्तों इसमें। 0:35 लास्ट का 0, किसी भी वर्ष का 12 महीना होता है आप जानते हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे। 0 शुरू का 0:33, 0:35, फिर 614, 625, कैसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग ऐसे बना लीजिए, दिख रहा है नहीं आप लोगों को, इसको मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं इसको ये बताऊंगा कैसे आप इसको लर्न रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, कभी जिंदगी में आप लोगों को भूल कर भी नहीं भूलेगा। ऐसा तरीका मैं बता दूंगा दोस्तों कि आपको रात में कोई 2 बजे भी अगर सोते समय भी अगर उठा के पूछेगा कि बताइए कोड ऑफ मंथ, बताइए फरवरी का कोड, बताइए जनवरी का, बताइए दिसंबर का, बताइए, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से नींद में भी बता देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले दोस्तों मैं लिखूंगा जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दोस्तों दिसंबर। ये बस आप लोग, ये चीज 12 महीना तो होता नहीं, ठीक है। अब इसका कोड हम कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इधर 0:33, इधर 0:35, 0:33, 0:35 दोस्तों, क्या लिखें हम, 0:33, 0:35, फिर इधर लिखना है आप लोगों को 614, 625। बहुत ही शानदार तरीके से इसको कैसे याद रखेंगे हम, देखिए स्टार्टिंग का 0:33, 0:35, ठीक है, और 614, 625, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए 0:33 याद कर लीजिए आप लोग, 0:33 आप लोग याद कर लीजिए, 0:33, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए लास्ट में, इसमें तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0:35 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम 2 जोड़कर लास्ट का 0:35 याद कर लिए, 0:33, 0:35, फिर आप लोग इसमें क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, फिर 614 ऐसे याद कर लीजिए, 614, और फिर इसमें एक एक जोड़ करके 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 614, 625 कैसे याद रखना है, 0:33, 0:35, 0:33, 0:35,
और फिर 614 625 बहुत ही शानदार तरीके से इसको आप याद कर लीजिए। और देखिए ये कब होगा, ये नॉर्मल ईयर में, मैं इसको आप नॉर्मल और लीप ईयर दोनों में लिखाई दे रहा हूँ। फिर आप लोग यही नॉर्मल से एक ऐसे कंसेप्ट बताएंगे दोस्तों कि आपको लीप ईयर वाला नहीं याद रखना है, सब केवल लीप ईयर में जनवरी फरवरी में चेंज होना है। तो आप इसी कोड से, इसी कोड से 033035 614 625 से ही आप किसी भी डेट का दिन बहुत ही आसानी से सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। देखिए हम बताते हैं आप लोगों को, ये नॉर्मल ईयर कंडीशन, एक चीज आप लोग लिख लीजिए फिर मैं उसको बताऊंगा कि आप कैसे इसी से नॉर्मल हो चाहे लीप ईयर हो, हम यही वाला याद रखेंगे बस। देखिए नॉर्मल ईयर का है ये, अभी कंसेप्ट ये सीखिए, अभी नॉर्मल ईयर का है। अब आ जाइए नीचे दिखेगी दोस्तों, चलिए इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। नॉर्मल ईयर का लिख लीजिए फिर मैं लीप ईयर का चेंज लिखा दे रहा हूँ। लीप ईयर में देखिए होता क्या है, जनवरी फरवरी में चेंज होता है बस। कौन किस महीने में चेंजिंग होता है, जनवरी और फरवरी महीने में, और किसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें चेंजिंग क्या होगा, इसमें आप 0 और 7 को समान समझिएगा, 0 और 7 को समान समझिएगा रीजनिंग कैलेंडर में, ठीक है, 0 और 7 में। तो इसमें हम करते क्या है, जनवरी फरवरी में, जनवरी लीप ईयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जनवरी और फरवरी में आप क्या करेंगे, एक एक घटा देंगे इसमें दोस्तों। तो 0 और 7 में बता दिया कि ये समान समझिए, तो इसमें हम घटाएंगे 1 तो 6 आएगा, और इसमें घटाएंगे तो 2 आ जाएगा बस दोस्तों, यही 6 और 2 हो जाएगा जनवरी फरवरी कोड, और पूरा पूरा यही रहेगा, पूरा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो इसको भी लिख लीजिए, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगा किसी भी दिनांक का आप सेकेंडो में आंसर कैसे देंगे। पहले एक बार 2-4 मिनट का मैं कंसेप्ट आप लोगों को सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आप सेकेंडो में दे देंगे। देखिए और ये हर एक एग्जाम में दोस्तों, SSC ग्रुप डी NTPC CGL लेवल बैंकिंग सभी में ये कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पार्ट 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। देखिए अभी मैं ये नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट सिखा, अब लीप ईयर का, ये कोड ऑफ मंथ ही है ये, अब ये लीप ईयर का, ये आप लीप ईयर का कंसेप्ट सीखिए। लीप ईयर का हिंदी आप जानते ही हैं, मैं बता चुका हूँ पहले, अधिवर्ष होता है, क्या होता है, अधिवर्ष होता है लीप ईयर का, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग ये चार्ट बनाएंगे, मैं पूरा रफ कर दिया हूँ, इसमें इंक डालूं या अप्रैल मई, ज्यादा ना डालना नहीं निकलने लगता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, कि कंसेप्ट वही रहता है हमारा नॉर्मल ईयर में, चेंजिंग किस में होता है, चेंजिंग आपका होता है इसमें जनवरी और फरवरी में। इसमें करते क्या है, जनवरी फरवरी कोड क्या होता है, 0 जनवरी का और 3 फरवरी का है ना, तो इसमें क्या करते, 1 घटा देते हैं, जब 1 घटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6 और ये 2 हो जाएगा बस, पूरा वही रहेगा 033035 ही रहेगा, और 614 625। तो देखिए लीप ईयर का कोड ऑफ मंथ ही है लीप ईयर, जब रहेगा तो ये होता हो जाता है जनवरी फरवरी में चेंजिंग हो जाता है, 033035 614 625 के स्थान पे क्या हो जाता है, इसमें एक एक घटा देते हैं जनवरी फरवरी में,
तो ये हो जाता है 6-2 और पूरा वही रहेगा। तो दोस्तों मैं ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, और हम नॉर्मल ईयर वाला ही लगाएं 0-33, इसको अगर भूल भी जाते हैं आप लोग ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यदि आप लोग भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी से सीखेंगे, बस कंसेप्ट देखते जाइए। बस देखिए कैसे अब हमारा कोड ऑफ मंथ हो गया। देखिए किसी भी तारीख को निकालने के लिए किसी भी दिनांक का अगर दिन निकालना है तो उसमें दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, मंथ दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा, तो हम डेट तो मान लीजिए दिया ही रहेगा, कोड ऑफ मंथ सीख गए। अब कोड ऑफ सेंचुरी ईयर देखते हैं, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर, ठीक है, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर क्या है ये हिंदी इसकी शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, ये भी आप लोग सीख लीजिए। ये दोस्तों उंगलियों का खेल है शताब्दी का कोड। देखिए केवल मैं शताब्दी लिखूं उंगलियों में बताऊंगा आप लोगों, ये चार उंगली है, अंगूठा छोड़ छिपा लीजिए, चार उंगली से ही पूरा आपका हो जाएगा काम, किसी भी शताब्दी की बात करेंगे यही चार उंगलियों से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग लिख लीजिए, ये देखिए यहाँ 6 लिखिए, फिर 2-2 घटाते चलिए, 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 2 घटाएंगे तो 2, और फिर 0 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो इसमें करते क्या है दोस्तों। देखिए मैं इधर से चलूंगा, ठीक है, अपने बाएं तरफ से चलूंगा, आप लोगों को उधर दाएं दिख रहा होगा, तो मैं बाएं तरफ से चलूंगा 6-4-2-0, ठीक है, बस इतने से ही काम हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से हम 1600 से शताब्दी से स्टार्ट करेंगे, 1600, 1700, 1800 और 1900, 1600, 1700, 1800, 1900, जैसे 1600 शताब्दी आ जाएगा तो उसका कोड 6 होगा, और 1700 आएगा तो 4 होगा, 1800 आएगा तो 2 होगा, 1900 आएगा तो 0, जैसे अगर 20 आ गया, 19 के बाद 20 आ गया तब भी दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब 2019 के बाद आएगा 2000 तब भी 6 रहेगा, अगर 2100 आ जाएगा तो 4 होगा, और फिर उसके बाद ये 2200, फिर 2300। आप लोग ये सोच रहे होंगे गाइस कि हम 16 से स्टार्ट किए हैं और यदि 15 से पूछ लेगा, 14 से पूछ लेगा तब क्या करेंगे। देखिए उसका भी अगर जैसे 16 से हम स्टार्ट, पहले 16 से स्टार्ट, 16 के बाद जितना होगा अपना यही मेथड चलेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जितना भी आगे जाएगा ना हमारा यही चार उंगलियों का खेल है दोस्तों। हमें याद रखना है 6 से स्टार्ट करना है, 2-2 घटाते चले चलना है, 2-2 घटाते चले चलना है, तो 6 से हम स्टार्ट किए हैं, 6-4-2-0, बस 16, 17, 18, 19 ऐसे बढ़ते चले जाइए। अब दोस्तों यदि 16 से कम दिए रहे तब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। अभी मैं चल रहा था बाएं से दाएं चल रहा था, अगर 16 से कम करेंगे ना दोस्तों तो हम जो क्या करेंगे उल्टा चलेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ से हम 15 स्टार्ट करेंगे, 15, 1400 शताब्दी का 2 हो जाएगा, फिर 1300, फिर दोस्तों 1200, फिर हम यहाँ से नहीं, फिर यहीं से दाएं से, ठीक है, फिर 12 हुआ तो 1100, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ठीक है, 1000, ठीक है, फिर 900 और फिर 800, इस प्रकार करके आप लोग दोस्तों ऐसे घटाते चले जाइए जितना भी शताब्दी ईयर का है। अगर ज्यादा कहेगा 1600 से ज्यादा कहेगा तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जितना भी कहे आप लोग यही 6-4-2-0 ही कोड होगा सेंचुरी ईयर का, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, देखिए कोड ऑफ मंथ नॉर्मल ईयर का सीख लिए हैं, कोड ऑफ मंथ नॉर्मल ईयर का और सीख लिए हैं, तो उसका कोड क्या होता है मैं बताया कि स्टार्टिंग करेंगे 0-33, 0-35, फिर 0-33 में 2 जोड़ेंगे 33, ये सबको जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो 614 याद कर लीजिए, 614 होगा, फिर उसके बाद 1-1 6 को छोड़ करके 1-1 उसमें जोड़ दीजिए, तो 1 में जोड़ेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो 625 हो जाएगा। इस प्रकार हमने सीखा कि नॉर्मल
ईयर का अगर महीने का कोड होगा 0.35 लास्ट का 614625। अब यही यदि लीप ईयर कोड आप मंथ यदि लीप ईयर का पूछें तो चेंजिंग किसमें होता है, चेंजिंग आप भली बात ही समझ गए, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं ये बताया कि जनवरी फरवरी में दोस्तों, जनवरी इधर मैं हट जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, जनवरी और फरवरी जो है कोड ना वही चेंज होता है। तो उसमें क्या करता है, करते हैं एक एक घट जाता है उसमें, तो एक एक घट जाता है, तो जनवरी को हो जाता है 6 और फरवरी को हो जाता है 2 दोस्तों। बस इतना सा कंसेप्ट है कोड ऑफ मंथ में। अब सेंचुरी ईयर का आ जाइए, सेंचुरी ईयर तो कोड ऑफ मंथ से भी सिंपल है। उसमें करना क्या है, हमारी ये चार उंगली है ना, इसी पर पूरा कैलेंडर, इस टॉपिक जो किसी भी दिनांक का दिन निकालना है पूरा खत्म है ये चार उंगलियों पर। तो करते क्या है, 6420 6 से स्टार्ट करते हैं, 2 घटाते चले जाते हैं, 6420 बस इसी से किसी भी शताब्दी आ जाए तो हम निकाल लेंगे। स्टार्टिंग हमें 16 से करना है, जब 16 से करेंगे तो हम बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 जहां तक भी पूछे बढ़ते चले जाइए आप, और यही होगा आपका 6420 होगा कोड। और यदि अब आप सोच रहे होंगे, मैं बता भी चुका हूँ कि यदि 16 से कम आ जाए शताब्दी, 1600 वर्ष से कम आ जाए तो उसमें क्या करते हैं हम, फिर अभी तक बाएं से दाएं चल रहे थे, अब हम चलेंगे दाएं से बाएं चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दाएं से बाएं चलेंगे तो फिर 15 14 फिर ऐसे 13 12 11 ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक इसको आप नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सीखते हैं हम, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर। अब आइए हम फार्मूला पढ़ते हैं, किसी भी ये जो रीडिंग पड़ी हुई है किसी भी दिनांक का दिन याद करना, इसका हम फार्मूला पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला हम पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, चलिए फार्मूला ही पढ़ लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं फार्मूला। तो हम फार्मूला देखेंगे, किसी भी दिनांक का दिन याद करना हो तो फार्मूला देखेंगे। फार्मूला सबसे पहले दिन दिया रहेगा, ठीक है, दिन लिखेंगे, दिन के बाद महीना दिया रहेगा, तो कोड ऑफ डे, कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ मंथ के बाद दोस्तों कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, फिर इसके बाद सेंचुरी, जैसे मान लीजिए 1600 1700 कुछ भी दिया रहेगा, ये चार वर्ष ऐसे, ये तो 1600 शताब्दी हो गई, फिर वर्ष चार रहेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम उसको वर्ष पूरा लिख लेंगे, जितना भी दिया रहेगा इसमें कोड ऑफ सेंचुरी ईयर का कोड लिखेंगे, फिर वर्ष लिख लेंगे, ठीक है। तो ईयर मैं बोल दे रहा हूँ उसको, फिर ईयर पूरा लिखेंगे, फिर ईयर, ईयर में दोस्तों ईयर में चार से भाग दे करके ईयर में चार से भाग दे करके भाग फल लिखना है, पूरा पूरा, दशमलव नहीं, पूरा पूरा, ठीक है। तो पूरा पूरा, ठीक है, मैं बिना दशमलव के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बिना दशमलव के। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, सात से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, सात से भाग दे देंगे, सबको जोड़ने के बाद सात से भाग दे देंगे, ये हमारा
फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप देखिए सेकंडों में आप आंसर देंगे कैसे। देखिए लग रहा है बड़ा दोस्तों, लेकिन जब करेंगे अब मैं जैसे करूंगा आप देखिएगा कंसेप्ट में किस तरह सिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत ही ईजी वे तरीके से आप सेकंडों में आंसर दे देंगे। देखिए पहले लिखना है डे, फिर वो कोड ऑफ मंथ, फिर कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, फिर ईयर, फिर जो जो भी ईयर दिया रहेगा उसको चार से भाग देंगे बिना दशमलव के लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर सात से सभी को भाग दे देंगे। तो आइए देखते हैं बहुत ही ईजी वे तरीके से। देखिए ये तो हमारा फार्मूला हुआ, आइए देखते हैं हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले कि चलिए इसको रफ कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है क्या, क्वेश्चन नंबर ये इसी का दिन निकाल लेते हैं, देखते हैं 15 अगस्त जब अपना देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन, कौन सा दिन, ठीक है दोस्तों ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम क्या बोले कि डे लिखना है, डे कितना दिया है 15 दिया है, सोल्यूशन सबसे पहले क्या दिया 15 दिया है, ठीक है अगस्त, तो दोस्तों बताइए अगस्त का कोड क्या होगा, मैं बताया हूँ आप लोगों को 033 035 614, ठीक है तो 033 और 035 लास्ट का फिर 614 625, ठीक है दोस्तों, तो 033 614 हुआ ये जून तक का हुआ, फिर जुलाई अगस्त, ठीक है फिर 625 होता है तो 2 हो जाएगा वहाँ, ये देखिए आप लोग मैं लिख दे रहा हूँ 033 614 625 और 035, तो देखिए जून जुलाई अगस्त ये 8वां महीना होता है, ये कितना है इसका कोड 2 है, तो इसको हम 2 लिखते हैं दोस्तों। अब देखिए कोड ऑफ सेंचुरी ईयर 1900 है दोस्तों, 1900 तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है 16 17 18 19, लास्ट में आया 19 तो 6 4 2 0, तो कितना आ गया 0 दोस्तों, तो यहाँ हम 0 लिख दिए, 1900 कोड कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए 47 ईयर जो मैं बोला हूँ ना आप लोगों को, ईयर पूरा लिखना है जितना ईयर 47 दिया है ये 47 लिख लिए। अब दोस्तों इसको 4 से भाग देना है हमको, इसी को 4 से भाग देना है और भागफल लिखना है बिना दशमलव के, तो देखिए 4 1 4 4 1 4 शेषफल नहीं लिखना है हमें, शेषफल जो भी दशमलव में आ जाएगा तो उसको हमें नहीं लिखना, फिर इसको हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे आप, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, जितना भी शेषफल आ जाएगा उसी दिन निकाल लेंगे। देखिए इसको जोड़ने से अच्छा ये है कि आप लोग क्या करें, क्योंकि ये जो जितना भी हमारा शेषफल आएगा ना उसी को वही हमारा दिन होगा। देखिए कैसे उसको मैं लिखा दूंगा कि वन को क्या कहेंगे, सोमवार की मंगलवार बुध को, इसको मैं कराने के बाद लिखा देता हूँ सब। तो जोड़ने से अच्छा आप है क्या करें, शेषफल से हमें मतलब है, तो देखिए इसको भाग दे दीजिए 7 2 14 एक आया शेषफल, ये 2 रहने दीजिए, 7 6 42 42 5 आ गया, 7 1 7 तो इसमें 4 आ गया, तो बचा क्या दोस्तों आपके पास ये 5 शेषफल बचा और ये 4 बचा, तो इसमें 7 को और निगलेक्ट कर दीजिए तो बचा क्या 2 3, मतलब 3 आ गया, 3 आ गया है। देखिए नहीं नहीं 3 कहाँ से, ये 2 भी है ना दोस्तों, वही मैं सोच रहा हूँ ये 2 भी है अभी, तो ये 7 से निगलेक्ट कर दीजिए 5 बचा, तो 5 का मतलब हुआ दोस्तों शुक्रवार, 5 का मतलब शुक्रवार, ये चीज में आप लोगों को लिखा देता हूँ कि 5 1 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब क्या होगा, ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, नोट डाउन और कर लीजिए इसको थोड़ा से। हम क्या करते हैं ये डे, कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, फिर ईयर, फिर क्या करते हैं ईयर में 4 से भाग दे करके बिना दशमलव वाला लिखते हैं, बिना दशमलव का, ठीक है, और फिर उसको जोड़ करके 7 से भाग दे देते हैं, और शेष फल जो भी आता है वही उसका दिन होता है। देखिए यदि 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 होगा तो मंगलवार, 3 होगा तो बुधवार, 4 होगा तो बृहस्पतिवार, 5 होगा शुक्रवार, 6 होगा
शनिवार 7 या 0 तो उसको हम कहेंगे रविवार। देखिए इसको लिख लीजिए नोट डाउन करके। नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट डाउन करके लिख लीजिए। रिमाइंडर शेषफल यदि 1 आएगा 7 से भाग देने पर दोस्तों 1 आएगा रिमाइंडर तो ये होगा सोमवार, ठीक है। यदि 2 आएगा तो मंगलवार, यदि 3 आएगा तो बुधवार, ठीक है दोस्तों। और यदि 4 आएगा तो बृहस्पति या गुरुवार, ठीक है, बृहस्पति या गुरुवार। फिर उसके बाद 5 आएगा तो शुक्रवार, 5 आएगा तो शुक्रवार। और इधर लिख दे रहा हूँ अगर 6 आएगा तो शनिवार, शनिवार। फिर 7 आएगा तो रविवार, ठीक है। इसको 7 आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, शेषफल 0 आएगा। इसको 0 भेज दीजिए, 7 या 0 करें तो यही, 7 या 0 करें तो रविवार हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यदि हम किसी भी संख्या में 7 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल तो एक 7 से भाग दे रहे हैं तो या तो देखिए 1 से लेकर 6 तक आएगा या तो 0 आएगा, यही शेषफल आ सकता है। और तो 11 12 तो आएगा नहीं, इसीलिए 7 तक मैं लिखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि यदि 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार, और 7 आएगा तो रविवार। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आप, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप पूछेगा। एक चीज और समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। मैं ये चीज आप लोगों को अभी जब कंसेप्ट सिखा रहा था तो ये बता रहा था ना कि हम नॉर्मल ईयर के का कोड ही, जो महीने का कोड होता है, कोड ऑफ मंथ, नॉर्मल ईयर से ही पूरा काम करेंगे। तो देखिए उसको समझ लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, चलिए पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर उसके बाद इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक मैं करा चुका हूँ, दूसरा देखिए। अब आप लोग का करंट का देख रहे, इतना पुराना नहीं, आप कैलेंडर में देख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे 47 नहीं 12 13 करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 25 मार्च 2014 को कौन सा दिन, कौन सा दिन, ठीक, कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट लिखते हैं, डेट, ठीक है, डेट जितना भी 25। फिर उसके बाद मार्च का कोड क्या होता है दोस्तों, देखिए 0 33 होता है मार्च तीसरे नंबर का महीना, तो कितना हो जाएगा 0 33 हो गया, मतलब 3। फिर उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं सेंचुरी ईयर का कोड 2000 है ना, 14 भी छोड़ दीजिए, सेंचुरी कौन सी चल रही 2000, तो 2000 में देखिए क्या होता है, आप देखेंगे 16 से अधिक है ना, तो हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, 16 17 18 19 20 यहाँ आ गया, तो देखिए ये 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 0 होता है, अंगूठा छिपा लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा 2000 से, कितना आ जाएगा कोड 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 है ना वर्ष, तो 14 पूरा उसी प्रकार लिख लीजिए। फिर इसको 4 से भाग दीजिए, 14 लिखने के बाद 4 से भाग दीजिए, भाग पूरा पूरा लिखिए बिना दशमलव के, तो 4 3 12, ठीक है, 3 आ गया। अब इसको 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, तो आप इसको जोड़ेंगे, फिर जोड़ करके 7 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा, यदि 1 आ जाएगा तो सोमवार, 2 आ जाएगा तो मंगलवार, 3 आ जाएगा तो बुधवार, वो चीज़ मैं लिखा ही दी, आप भली भांति समझ गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको,
तो आप इसको जोड़ा ना करिए दोस्तों, सबसे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको काटकर। हमें शेष फल से मतलब है तो यहीं से इसको हटा दीजिए। देखिए इससे भाग देंगे 17 21 हाँ, 4 बचा, फिर ये इससे निपट गया ठीक है। अब 7 2 14 ये तो चला गया ठीक है। अब इसके इससे एक ले लो तो ये बचा 2, मतलब कितना हुआ 2 आया। इसका शेषफल कितना 2, 2 आ गया दोस्तों। 2 का मतलब क्या हुआ, मंगलवार। तो आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 25 मार्च 2014 को कौन सा दिन है, तो वो मंगलवार, मंगलवार पड़ा ठीक है दोस्तों। समझ गए हैं आप लोग, तो आइए देखते हैं और भी शानदार तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले हम महीने महीने नहीं, पहले जो दिन दिया रहेगा ना उसको लिखते हैं, फिर कोड ऑफ मंथ लिखते हैं, कोड ऑफ मंथ ठीक, फिर कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, फिर उसके बाद ईयर, फिर ईयर में 4 से भाग दे करके भागफल लिखते हैं बिना दशमलव के। तो इसको 14 में 4 से भाग दिए, 4 तीन 12 4 16 तीन ही बार जाएगा, 4 तीन 12। हमें दशमलव से मतलब है नहीं है, बिना दशमलव वाला लिखना है, तो 3 आ गया। अब फिर इसको हम भाग दिए, जोड़ करके आप भाग दीजिए तब भी वही बात है, और यहीं से शेषफल ले लीजिए और सब वो हटाते जाइए। ये सबसे अच्छा मेथड है मैं जो करता हूँ, आप लोग भी ऐसा करेंगे तो टाइम बचेगा इससे ठीक है दोस्तों। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी पेपर में, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। तो 17 21 4 शेषफल बचा, और इसको भी छोड़ दीजिए 4 3 ये 7 तो हट गया ठीक है। 7 2 14 यहाँ से 2 तो 2 आ गया, 2 का मतलब मंगलवार। इस प्रकार आप लोग करिएगा ठीक है। और देखते हैं अब वो वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं कि नॉर्मल से ही हम करेंगे। लीप ईयर में जो जनवरी फरवरी कोड चेंज हो जाता है उसको हम नहीं याद रखेंगे, मान लीजिए भूल भी जाते हैं तब भी काम हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, क्या यदि लीप ईयर रहेगा तो हम लीप ईयर रहेगा तो जनवरी फरवरी में चेंज होता है, जनवरी फरवरी के अलावा किसी में चेंजिंग नहीं होता। तो हम करेंगे क्या करेंगे, ये कि उसमें यदि लीप ईयर रहेगा जनवरी फरवरी आएगा, सब चीज निकाल लेंगे, सब चीज इसी प्रकार जैसे मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो इसी प्रकार करेंगे। लेकिन लास्ट में एक घटा देंगे, उसमें क्या करेंगे, लास्ट में एक घटा देंगे और वही आ जाएगा, जो भी आएगा घटाने के बाद वही उसका दिन होगा। देखिए लीप ईयर वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 जनवरी 2020 ये लीप ईयर है ना दोस्तों, को कौन सा दिन होगा ठीक है, हुआ था है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तारीख लिखेंगे, फिर जनवरी का कोड बताइए आप दोस्तों। यदि आप लोगों को याद रहे तो डायरेक्ट यहाँ जनवरी कोड 6 होता है, क्यों, क्योंकि 033 होता है, तो 0 कहें चाहे 7 कहें, बात वही है, तो इसमें एक घटा देते हैं। तो हमें मान लीजिए हम नॉर्मल वाला ही याद रखें ठीक है, लीप ईयर वाला ना याद रखें, तो इसको हम नॉर्मल से ही कर रहे हैं क्योंकि जनवरी का कोड होता है 0, तो 0 अभी। लास्ट में क्या करेंगे, जनवरी फरवरी में सिर्फ एक घटा देते हैं लास्ट में, इसमें हम उसी प्रकार करेंगे। देखिए 2000 का कोड आप समझ रहे हैं, मैं समझा भी दिया हूँ, 16 से अधिक है तो 16 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो 16 17 18 19 20 आ गए यहाँ, तो ये क्या है 6 4 2 0, तो 6 आ जाएंगे इसका कोड, तो इसका 6 कोड आ जाएगा ठीक है। अब 20 है तो 20 उसी प्रकार लिखिए, और फिर 20 में 4 से भाग देकर भाग पर पूरा लिखिए, पूरा बिना दशमलव के, तो 4 5 20 तो 5 आ गए दोस्तों। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे 7 2 14 ये कितना आ जाएगा, यहाँ 6 से फल आ जाएगा 7 2 14, फिर यहाँ भी 6 आ जाएगा। देखिए ये 1 1 इसको दे दीजिए 2 आ जाएगा ठीक है, 2 से फल बचा तो इसको भाग देंगे, 2 से फल आएगा, 2 कम 2 आया। तो अब देखिए ये लीप ईयर है ना दोस्तों, यदि लीप ईयर हो और मंथ क्या हो जनवरी फरवरी हो, तो उसमें लास्ट में एक घटा देते हैं ठीक है। यदि आप नहीं घटा रहे हैं तो यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा आपको, मैं जो 0 लिखा हूँ इसको आपको 6 लिखना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इसमें लास्ट में एक घटा देंगे, एक इसमें घटा देंगे, क्यों, बिकॉज
लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर और जनवरी फरवरी मंथ दिया, ठीक है, जनवरी दिया तो आएगा कितना, वन आ गया। वन का मतलब हुआ सोमवार, वन का मतलब क्या हुआ सोमवार। तो दोस्तों इतना सा हमारा कंसेप्ट है। अब कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन का मतलब इस टॉपिक का, ठीक है, किसी भी दिनांक का दिन निकालना हो तो हम इसी मेथड से, इसी कंसेप्ट से, इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ और आप बहुत ही शानदार तरीके से सेकंडों में आंसर दे देंगे। देखिए सबसे पहले आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है 26 जनवरी, जनवरी हटाइए आप, आइए दूसरे मंथ मान लीजिए अप्रैल लिख देते हैं, अप्रैल 2022 को, यहाँ 14 अप्रैल 2022 को कौन सी दिन होगा, चौदह अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा, हमें ये दिन याद करना, क्या याद करना, 14 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद जल्दी आप ऐसे करिए, 14 यहाँ लिखिए, फिर उसके बाद अप्रैल को क्या होता है, 4 होता है, मतलब चौथे महीना में है ना अप्रैल, तो इसको 0 33 6 14 6 हो जाएगा, ठीक है, ये याद कैसे करें, इसको मैं कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए 2000 है तो इसका भी 6 होगा, फिर 22 पूरा 22 लिखिए, फिर इसको 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, तो ये लिखिए, अब इसको ये 0 आ गया, ठीक है, अब 17 21 एक आ गया, 6 है ये, ठीक है दोस्तों, तो इसको दो देंगे 4, ये 4 से इसमें बचा, इसका 4 क्या बचा, 4 से फल बचा, 4 का मतलब क्या हो, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार पड़ेगा दोस्तों, क्या कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार। मैं समझाने में दोस्तों आप लोगों को देखिए 30 सेकंड से भी कम टाइम लगा है, यदि आप लोग इसको सीखेंगे इसको आप 1 सेकंड में कर लेंगे आराम से, ठीक है दोस्तों, इसको सेकंडों में निपटा देंगे आप लोग, तो बृहस्पतिवार पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए 14 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। ये क्या 14 दिन है तो अप्रैल का कोड क्या होता है, देखिए 0 33 0 33 0 33 614 625 और 0 35 होता है, तो 0 33 फिर आ जाइए 614, तो अप्रैल चलता है तो 6 आ गया कोड, और फिर सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का कोड क्या है, देखिए 2000 है, 2000 सेंचुरी है, 2000 कोड क्या होगा, हम 16 से अधिक 16 यहाँ सिस्टर 16 17 18 19 20 यहाँ गए, ये होता 6 4 2 0 तो 6 हो गया इसका, फिर 20 22 है लिखा है तो 22 लिख दिए, फिर इसको 4 से भाग दिए, अब बिना दशमलव के लिखना है, 4 5 20, ठीक है, तो ये लिख दिए, अब इसको 7 से भाग दीजिए, शेषफल से हमें मतलब है, तो आप जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो तो आपको ज्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, शेषफल से मतलब है तो इसको भाग देते चलिए, ये 6 6 छोड़ दिए, तो यहाँ देखिए 17 की किसी एक शेषफल बचा, ये 6 6 हो गया, तो इससे 2 ले लिए यहाँ कर देंगे, या 4 बचा, 4 मतलब बृहस्पतिवार, तो इस प्रकार कर देंगे हम, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यदि हम याद करते समय यहाँ देखेंगे, ये लीप ईयर तो नहीं है, यदि लीप ईयर होगा तो यहाँ देख लेंगे, देखेंगे जनवरी फरवरी महीना होगा ना तभी चेंजिंग होगा उसमें, ठीक है, एक घटाएंगे नहीं, अन्यथा सब में नहीं घटाएंगे, सब में घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आइए आप ये देखिए, तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है, तो 26 उसी प्रकार लिखिए, फिर जनवरी कोड 0 होता है, फिर 1950, तो 1900 कोड क्या होता है, 0 होता है, मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, देखिए 0 50 पूरा पूरा लिखेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे
तो हम 4 × 4 = 8, ठीक है। बस ये चीज आप लोग याद रखिए, 5 चीज रहेगा, पहले महीना, सॉरी पहले दिन, फिर महीना, फिर शताब्दी, फिर वर्ष, फिर 4 से भाग देकर के वर्ष, ठीक है। फिर इसको हम 7 से भाग देंगे। अब जोड़ करके ये सबको आप जोड़ करके तब भाग दीजिए, चाहे मैं ऐसे इलिमिनेट कर दीजिए सबको। देखिए कैसे करेंगे, 7 × 21 5 बचा, ठीक है, ये तो 0 है, 7 × 49 749 तो 1 आ गया, तो 7 × 1 = 7 तो शेष फल में मतलब है, तो शेष फल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो गए। अब देखिए ये सब, ये 6 हो गए, तो ये बचा कितना, 4, मतलब शेष फल आ गया 4, शेष फल 4 आ गया। 4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 का मतलब हुआ गुरु हुआ है, ठीक है, 4 का मतलब हुआ गुरु हुआ है, तो गुरुवार रहा होगा, मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार जिस दिन संविधान लागू हुआ वो बृहस्पतिवार रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रकार समझते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा मेथड है, आसान सा कंसेप्ट है यारो, और इसको समझिए, और फिर ये बहुत ही एग्जाम में आता है, ये कैलेंडर का देखिए यही कर, ये आता है, या तो वो जो मैं सेम डेट कंसेप्ट समझाया वो आता है, यही दोनों में से आते हैं ज्यादातर। देखिए क्वेश्चन अगला करते हैं, 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये महीने दिन, फिर महीने कोट की तरह 0 होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं जनवरी फरवरी यदि आ जाती है तो देखते हैं लीप ईयर है क्या, तो हाँ लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर जनवरी फरवरी महीना दिया रहेगा और लीप ईयर रहेगा तो उसमें लास्ट में हम एक घटा देते हैं बस, ठीक है, लीप ईयर वाला आप कोड ना याद करिए। तो 2000 का कितना होता है, तो 2000 का 6 हो जाता है, और फिर 4 लिखा है, 4 साल दिया है ना, तो 4 लिखेंगे, फिर इसको 4 से भाग दे करके सभी में 4 से भाग देते हैं, भाग देंगे 1 आएगा, फिर डिवाइडिंग बाई 7, देखिए इसको इसको हट गया तो 5 बचा, 5 का मतलब अभी देखिए दोस्तों ये 5 आया ना, 5 तो इसमें यदि लीप ईयर रहे और जनवरी फरवरी दिया हो महीना, तो लीप ईयर में क्या करते, इसमें एक घटा देते हैं, एक इसमें घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, तो 5 में एक घटा देंगे, कितना आ गया 4, और 4 का मतलब क्या होता है गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार, 4 मतलब गुरुवार, बस इतना समेटेड है, आप सेकंडों में आंसर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ लेते हैं इसका, एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग कर ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका कर ले जाएंगे, ठीक है। कैलेंडर लगातार मैं 3 टॉपिक करवा चुका हूँ, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए अब इसी को मैं 1 जनवरी मान लीजिए, जनवरी हटाइए, फरवरी 2003 को कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन रहा था, ठीक है। तो हम 1 लिखें दोस्तों, अब बताइए फरवरी कोड क्या होता है, 1 फरवरी कोड होता है कि 033 है ना, और फिर उसके बाद 2000 का 6 होता है, और फिर 3 है, इसमें भाग देंगे 4 से तो 0 आ जाएगा, है ना, दशमलव जो बिना दशमलव को लिखना है, तो ये 5 चीज रहेगा, ठीक है, अगर आप लोग इसको याद रखेंगे, नहीं तो मान लीजिए इसको भूल जाए, 3 ही लिख दें, 3 के बाद फिर 4 से भाग देना भूल जाए, तो 5 चीज रहेगा, फिर 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो ये चला गया, इस पर 0 हो गया, तो 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो देखिए ये फरवरी 6 आ गए हमारा, ठीक है,
ठीक है, छह आ गया। तो अब देखिए फरवरी दिया है, लीप ईयर तो नहीं है, जब लीप ईयर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छह का मतलब शनिवार, तो ये हो जाएगा शनिवार। बस इतना सा कंसेप्ट है यारो, और इसको सीख लीजिए। और रोटी वाला पेपर होने वाला है, सेवन शिफ्ट का एनटीपीसी बाकी है, उसमें भी बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा जब होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट अगले। अब कल से मैं क्लॉक, ये कैलेंडर का टॉपिक से समझ करके अब मैं क्लॉक वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, कल चैप्टर नंबर टू क्लॉक, ठीक, घड़ी कल से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जैसे हम इसको डिटेल तरीके से पढ़े हैं कैलेंडर, इसी प्रकार हम क्लॉक को भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अपने, और मेन चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैं पूरा डिटेल तरीके से बढ़िया से करा दिया हूँ इसको, आप कैलेंडर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को फिजिक्स मैथ पढ़नी इंटर की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, के सर पढ़ाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और यदि आप लोगों को इंग्लिश या जीएस पढ़ना है तो हमारे हैप्पी सर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में है वीडियो पड़े हुए, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आप लोगों क्लास सिक्स से टेन तक की मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मुकेश सर पढ़ाए हैं बहुत ही डिटेल तरीके से, आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।